देखिए, सबसे पहले मैं सारे मीडिया हाउसेस का धन्यवाद देती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, क्योंकि मेन मुद्दा, जैसे कि हाफिज़ जी आपने जैसे पूछा कि बनी जो है ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, बट बहुत हार्ड जोन में आती है। और इस हार्ड जोन की मैंने यहाँ पे नोट किया कि कुछ अजीब सी ही मुश्किलातें हैं, जिसका पूरी दुनिया भर में उनको एहसास तक भी नहीं है। मेरी बच्चियां जो हैं यहाँ पे, जो पहाड़ों से आती हैं, आप देखिए कि जैसे कॉलेज 10 बजे शुरू होता है और 6 किलोमीटर बनी शहर से ये कॉलेज जो सरथली में बाहर है, तो बच्चे जो हैं वो किन मुश्किलातों का सामना करके यहाँ तक पहुँचते हैं। हर तीसरे दिन जो बनी को आते हुए पहाड़ है रास्ते में, वो गिर जाता है, बच्चे पैदल चल के यहाँ पर आते हैं और फिर वो तालीम हासिल करते हैं। तो कहते हैं कि तालीम के दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए, ये खुलाने हैं। हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम इस मुश्किल को आसान करें, लेकिन हमें हाथ को हाथ का सहारा चाहिए, दिल को दिल का पैगाम चाहिए। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो जागृत हो, वो जाने कि यहाँ के बच्चों की कुछ मुश्किलातें बहुत हैं। गरीबी स्तर के नीचे ही बच्चे हैं, पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का धन्यवाद कि ऐसी मुश्किल जगह पर कॉलेज खोला गया है। अगर ये कॉलेज यहाँ नहीं होता तो बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ नहीं पाती। अब इनका रास्ता आसान करना है। मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो शादीशुदा हैं, वो कॉलेज में ही गिर जाती थी, अनीमिया के शिकार होती थी, उन्हें घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है। तो ये एक सोच जो है वो आई, और यहाँ का स्टाफ जो है, जो गिनती में बहुत कम है, शहर के कॉलेजेस के साथ हमारा कोई कंपेरिज़न नहीं है, वहाँ 600-700 जो है स्टाफ मेम्बर्स हैं। यहाँ पर जब मैंने देखा, एक यूनिटी की भावना है। प्रोफेसर्स को मैंने चीज़ों को खुद घसीट के अंदर लाते हुए देखा, तो मेरे में भी एक जोश आ गया, एक टीम वर्क आ गया। तो पहले तो हम ये कॉलेज के बच्चों के लिए लगाया, और फिर हम डोर टू डोर एक हमने कंपेन किया। हम ऊपर पहाड़ों पे गए, हमने वहाँ पे जो स्पेशली महिलाएं हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच सकती और बनी के अस्पताल तक भी नहीं पहुँच सकती, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें घर गृहस्थी के काम हैं, बट उनकी सेहत जो है वो कहीं रह रही है। कल 7 अप्रैल था और वर्ल्ड हेल्थ डे था, और WHO जो है वो अपनी सालगिरह मना रहा था, तो उस सालगिरह के छींटे कुछ हम पे भी पड़ने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे कल एक अवेयरनेस लेक्चर रखा। लेक्चर से काम नहीं चलेगा, इन सबको ज़रूरत है दवाओं की और दुआओं की। तो GDC बनी ने आज ये जो मुकाम हासिल किया, आज यहाँ पे 200 जो हैं वो गाँव के वासी, तरह तरह की जो बीमारियों से ग्रस्त थे वो यहाँ पे आए हैं। और डॉक्टर्स की टीम जो है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ BMO साहब का कि उन्होंने पूरी टीम जो है यहाँ पे, तो ये जो ये मेगा इवेंट है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। आज यहाँ पे ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसके ऊपर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो GDC बनी की जो NSS यूनिट है, और जो हमारी महिला, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट यूनिट बोलते हैं, जो मैंडेटरी हो गई है अब, हमने इन बच्चों को लोकेट किया। मेरे पास ये पिक्चर्स हैं, और ये पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये बच्चे की डिफॉर्म, जो बर्थ डिफॉर्मिटी थी, हमने ऐसे बच्चे लोकेट किए, डॉक्टर साहिबान तक पहुँचाए। आफ्टर ऑपरेशन आप देखिए कैसे इस बच्चे का पाँव जुड़ गया है, इस तरीके से ये जितने भी ये बच्चे हैं इसके, ये बिना तो कैसे ये ठीक हुए हैं। तो डॉक्टर्स तक पहुंचाना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि फेस को ठीक करने के बाद इस बच्चे का कितना अच्छा ये कंडीशन हो गया है। तो मेरा ये मानना है
कि जैसे कि हायर एजुकेशन की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहती है कि आप किताबी पढ़ाई के अलावा आपको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, आपको एम्पावर मॉरल डेवलपमेंट जिसको वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं, तो हम यहाँ पे बच्चे को रोज़गार का बुखान करना भी सिखा रहे हैं, दूसरों की मदद करना भी सिखा रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है, लेकिन हाफिज़ जी मैं ये मानती हूँ कि पहला स्टेप जो है वो सबसे मुश्किल होता है, आगे हाथ को हाथ का सहारा मिलेगा और GDC बनी जो है वी विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग कम्युनिटी एंड नॉट कीपिंग द अवेयरनेस इनसाइड द इंस्टीट्यूशन फोर वॉल बट स्प्रेडिंग इट थ्रू आउट द बनी। अभी तक मैम कितनी OPD हुई है और शाम तक? ये पूरे दिन का कैंप है, अभी तक जो है जो हमारी लिस्ट के मुताबिक जो बाहर के लोग हैं 120 जो हैं वो बाहर के आ चुके हैं, हमारे बच्चे बाहर इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बच्चियों को भी चेकअप की ज़रूरत है, लड़के भी यहाँ पे हैं और दवाइयों का जो यहाँ पे वितरण हो रहा है उससे बहुत खुशी की लहर। और ना केवल ये, कुछ लोगों ने तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनाए थे, तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में जुड़ के हम उन लोगों के आयुष्मान कार्ड्स भी यहाँ बना रहे हैं। देखा जाए हाफिज़ जी तो ये हमारा काम नहीं था, लेकिन मुझे लगता है आजकल ये सोच हटा के हमें जो कम्युनिटी के लिए सर्विस करनी है, बेशक वो अवेयरनेस कैंप्स हों या फिर उनके लिए जागरूकता फैलाना हो या फिर उनके हेल्थ चेकअप्स हों, तो GDC बनी टाइम टाइम पर ये चीज़ें करता रहेगा। हम प्रिवेंटिव भी चल रहे हैं और हम इंटरवेंशंस का भी ध्यान रख रहे हैं। बनी के लोगों के लिए क्या मैसेज है? बनी के लोगों के लिए ये मैसेज है कि जैसे बनी कुछ सालों पहले कहते थे कि यहाँ सड़क तक नहीं है, घोड़ों पे लोग आते थे, पैदल लोग जाते थे, लेकिन अब ये मैप के ऊपर आ चुका है, अब यहाँ पे एजुकेशन जो है वो घर घर तक पहुँच गई है। अपनी बच्चियों और बच्चों को मत रोकिए, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर करिए, इससे क्या होगा कि आने वाली जनरेशन अच्छी होगी और बनी का नाम जो है वो इंटरनेशनली जो है वो फेमस होगा। मैं स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान रख रही हूँ क्योंकि ग्राउंड नहीं है बनी में, तो हम यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि बनी का पहला जो फ्लोरिकल्चर गार्डन जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। जब आप अंदर आए आपने देखा होगा कि मिट्टी के ढेर लगे हैं, हम ये चाहते हैं कि पूरे बनी के लिए हम एक साल के अंदर इस पे मेहनत करके ओपन करें ताकि यहाँ का वातावरण जो है वो पढ़ाई के साथ साथ खूबसूरती की तरफ भी महके। और आपसे मेरी अपील ये है कि बनी को इन पहाड़ों और इस वादी के अंदर गुमनाम ना होने दीजिए, इसकी आवाज़ हमें हिंदुस्तान से लेके पूरे के वर्ल्ड में फैलानी है क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती हैं। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि यहाँ के लिए स्पेशल ग्रांट्स दी जाएं, इन बच्चों को हम टूर्स एंड ट्रिप्स पे ले जाएं, इनकी पिकनिक्स जो हैं हमेशा बच्चे नाराज़ हो रहे हैं कि सरथल ले में ले जाते हैं मैम और हम कभी हिमाचल नहीं जा पाते, हम कभी पास नहीं जा पाते। तो कोशिश बड़ी नेक है और आप लोगों के योगदान का और बनी के लोगों का योगदान का हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।